नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक अगर आपके ऊपर सरफेसी एक्ट के साथ साथ 138 का यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस का मुकदमा करती है तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का ये भी प्रश्न आता है कि क्या बैंक सरफेसी एक्ट के साथ साथ चेक बाउंस का भी मुकदमा सिक्योर्ड लोन में कर सकती है या नहीं। देखिए दोस्तों, आज के समय में बैंक बहुत ही चालाकी से अपने पैसे की रिकवरी कर रहे हैं। बैंक बोरोअर को परेशान करने के लिए दूसरे शहर में यानी कि उनके घर से जो शहर 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर है, ऐसे शहरों में उनके खिलाफ 138 का मुकदमा करती है। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि बैंक आपको हैरास करे। अब इतनी दूर जा करके आप अपना केस कैसे लड़ेंगे, इतनी दूर जा करके आप कैसे अपने केस में अप टू डेट होंगे, कैसे जा करके वहां पे खुद का बेल कराएंगे और कैसे जा करके वहां पे सारे सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, बैंक यही चाहता है। बैंक अपना पैसा रिकवर कराने के लिए इस प्रकार के हथकंडे को अपनाता है। हालांकि ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही गलत है, लेकिन बैंक इस प्रकार की चीजें करता है और कर सकता है। देखिए, सरफेसी एक्ट एक अलग मामला है और चेक बाउंस का मुकदमा अलग है। तो जब भी आप लोन लेने जाएं तो हमेशा याद रखें कि आप सिक्योरिटी में चेक न दें और न ही आप अकाउंट में ऑटो डेबिट का सिस्टम रखें। देखिए, आजकल बैंक बहुत ही चालाक हो गए हैं, वह सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आज का समय बहुत ही बदल गया है, लोन डिफॉल्टर्स के लिए काफी मुश्किलें भरी हो गई हैं आज का जो सिचुएशन है। आजकल हम लोग रोज प्रैक्टिस में देख रहे हैं, कोर्ट्स में नए केसेस आ रहे हैं कि सर बैंक ने हमारे ऊपर DRT में तो केस फाइल किया ही है, पता चला कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारा एक अहमदाबाद के सिविल कोर्ट में बैंक ने 138 का मुकदमा कर दिया है। अब हम दिल्ली में DRT में केस में इंगेज्ड हों या फिर हम जाएं अहमदाबाद के सिविल कोर्ट में और वहां पे जाकर के अपने केस को अटेंड करें, तो दोनों जगहों पे एक साथ जाना मुश्किल है और बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले अगर बैंक ने इस प्रकार की कोई भी आपके ऊपर केस फाइल किया है तो सबसे पहले आपको उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है जहां पे बैंक ने 138 का केस फाइल किया है, क्योंकि वहां पे जाना जरूरी है। वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप दो समन के बावजूद भी नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा। तो वहां पे जाकर के आप मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं कि सर हम इसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप बैंक को सेटलमेंट के लिए राजी करा लीजिए। अगर वहां के मजिस्ट्रेट कहते हैं कि नहीं ये तो बैंक का मामला है, बैंक समझे, तो फिर आप उसी स्टेट के हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करके अपने केस को अपने जिले में यानी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं कि सर बैंक हमारे ऊपर सरफेसी एक्ट की भी कार्रवाई कर रहा है और साथ ही साथ वो हमारे को हरास करने के लिए हमारे घर से इतनी दूर चेक बाउंस का मुकदमा कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि चेक बाउंस का मुकदमा चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में चले, हमारे शहर में चले, क्योंकि हमारे घर में हमारी फैमिली है और हम अपनी फैमिली में इकलौते कमाने वाले हैं और उनका केयर करने वाले हैं, देखभाल करने वाले। हमारे घर में कोई भी ऐसा जेंट्स नहीं है जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार का देखभाल कर सके। तो ऐसा रिट पिटीशन फाइल करके आप अपना केस ट्रांसफर करा सकते हैं। दोस्तों, आप अपना केस ट्रांसफर नहीं कराएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ बैंक आपके खिलाफ जो DRT में केस फाइल किया है, DRT में भी एक आप एप्लीकेशन फाइल करा सकते हैं कि सर बैंक को डायरेक्शन दिया जाए कि हमारा एक ही केस फाइल करे। DRT के साथ साथ बैंक ने हमारे ऊपर 138 का मुकदमा कर दिया है तो बैंक को यह भी डायरेक्शन दिया जाए। हालांकि बैंक स्वतंत्र है 138 का केस फाइल करने के लिए, लेकिन DRT में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को सुनी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग का जो प्रश्न था कि क्या बैंक सरफेसी एक्ट के साथ साथ 138 का मुकदमा कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है, बैंक स्वतंत्र है, क्योंकि आजकल बैंक इसी तरीके के हथकंडे अपना करके अपना पैसा वसूल रहा है।
दूसरा ये है कि हम कैसे बचें अगर 138 का केस फाइल हो गया है सरफेसी एक्ट के साथ, तो आपको उस स्टेट के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके अपने केस को ट्रांसफर कराना है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। तो दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक वाले आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं और आपको लीगल एडवाइस की जरूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।